गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के हो गए हैं 9:30 और मैं बस व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9:30 बजे से। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कपड़े कहीं सुखाने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने सब यहीं पे डाल दिए हैं। कुछ वहाँ पे पड़े हैं कमरे में और कुछ सूख गए हैं, और बारिश बराबर रात से भी हो रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अनिका और ये दोनों लोग हैं नहीं, बाथरूम में है शायद। अनिका हन्नू करा रही है, मौसी उसकी हन्नू करा रही है अनिका को, और चाय पी चुकी है हम लोग। तो बस चाय पीने के बाद किचन में अब आज बना रहे हैं हम, दाल चावल ही बनाएंगे, कुछ और नहीं बनाएंगे। रात में हमने ध्यान नहीं दिया और इन्वर्टर से ही मैंने कूलर को चला दिया। आधी रात तक कूलर चलता रहा इन्वर्टर से, फिर जब मैंने देखा तो लाइट ही नहीं, तो सारा मतलब मेरा आज इन्वर्टर डाउन हो गया। तो मेरे घर में आज अंधेरा ही अंधेरा है और बारिश बराबर हो रही है, लाइट आ नहीं रही है। पता नहीं कैसे आएगी, नहीं तो रात कैसे कटेगी, क्योंकि बिना पंखे के अनिका रह नहीं पा रही है। और इतने टाइम भी गर्मी लग रही है, अंदर गर्मी लगती है, बाहर तो ठंडा मौसम है क्योंकि बारिश होती है, अंदर इतनी हवा नहीं आ पाती ना इस वजह से। तो अनिका आ गई है शायद हन्नू करके, तो यहाँ पे अनिका हन्नू करके आ गई, तो मैं उसे रेडी कर रही हूँ। और ट्राईपोड की वजह से मैंने जहाँ पे देखो वहीं पे एडजस्ट कर दिया है, तो सही से आ नहीं रहा है। आज अंधेरा है घर पे, तो प्लीज़ ऐसे इग्नोर करिएगा। आज के ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि लाइट बिल्कुल है नहीं, तो अंधेरा तो लगेगा ही। रूम में कहीं और ऊपर से बदली है इस वजह से, और भी धूप होती है तो इतना लाइट मुझे दिन में नहीं जलानी पड़ती अपने घर में, ये चीज़ है। और यहाँ पे इनका क्रीम लगा के गाइस, मैंने फिर रेडी खाना हो खा गई लिया है। है। खाना मैंने बनाया था आज भरता, आलू का भरता और रोटी, तो हमने और पूजा ने दोनों ने खा लिया। अनिका ने सिर्फ भरता खाया, आलू का रोटी उसने खाई नहीं। अभी जस्ट मैं बर्तन बर्तन क्लीन करके और आई हूँ, सारे काम हो गए हैं। अनिका सोने लगी, आज थक गई थी, पूजा भी सोने लगी है, मैं ही जग रही हूँ। और 9:30 बज गया है, रात का 9:30 है, और सारी लाइटें ऑफ करने आई थी। और जाऊंगी, लेट जाऊंगी क्योंकि अनिका सो गई है, तो अब जब वो अकेली ही हूँ मैं, मतलब जग रही हूँ, बाकी अनिका पूजा तो दोनों लोग सो गई हैं। तो यही है, सूट किया नहीं था, खाना बनाया था, तो मैंने कुछ भी सूट नहीं करा। और बारिश बहुत ही तेज हो रही थी, अभी बहुत ही तेज बारिश हुई है, जब से आई तब से बराबर बारिश पे बारिश होती जा रही है। तो फिर हम मिलूंगी मॉर्निंग में, तब तक के लिए सबसे बाय। तो यहाँ पे अनिका जो ड्रेस लेके आई है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। उन्होंने बोला था मैं पहन के दिखाऊंगी, तो वो अपने मन का कर रही हैं। तो ये देखिए कितने स्टाइल में दिखा रही है आपको। आप लोगों को अनिका की ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बता देना। पूछ रही थी मम्मा वीडियो डाली कि नहीं डाली, तो कल मैंने नहीं डाली थी ये वाली, पूरी सही से सूट नहीं थी इसलिए। और फिर यहाँ शाम के टाइम पे मैं आई थी यहाँ पे चोटी करने के लिए घर नीचे से छत पे, और मौसम अच्छा था इस वजह से छत पे ही कर लिया, और अंधेरा भी है आज मेरे घर में इस वजह से, और भी तो यही सब है चल रहा है यहाँ पे। देखते हैं, अनिका बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, कह रही हैं चलिए मम्मा आप नानी के घर चलिए, अब नहीं रुकूंगी मैं, फिर आऊँगी। तो देखते हैं अभी कितने दिन रुकना है, 1-2 दिन, क्योंकि अनिका अनिका परेशान रहती तो फिर मन भी नहीं लगता है उसका, क्या है ना, जो मैं किचन में रहूँगी तो किचन में रहेगी, कमरे में रहूँगी तो कमरे में रहती है,
कहीं बहरहाल मैं रहूँगी वहीं पे रहती है, मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ रही है, ना खुद भी अकेले रहती है, तो ऐसे कुछ हो नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये सब कब तक चलेगा। क्योंकि पहले था तो खेलती रहती थी, अब है तो मुझे साथ ही साथ में करना पड़ता है, बहुत परेशान से हो जाते हैं हम लोग। और मासी के साथ में भी बहुत कम रहती, मेरे साथ में ही ज़्यादा वो रहती है। यहाँ पे मुझे नींद आ रही थी सच में दोपहर में, क्योंकि जब से आई हूँ तब से मैं सो नहीं पा रही हूँ, बस एक दो घंटे ही नींद ले पा रही हूँ, उससे ज़्यादा नींद मुझे नहीं आ रही है। इस वजह से तो थोड़ा सा सर दर्द भी होता ही रहता है डेली का डेली, तो मैं वाई शवर छत पे कर रही हूँ, इस वजह से बैठी हूँ छत पे। बारिश लगातार ही हो रही है, इतनी बारिश मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं मेरे, और ऊपर से कीचड़ इतना हो रहा है, कुछ कहने को नहीं। बाहर बहुत ज़्यादा मिट्टी है ना, इस वजह से, और ज़्यादा मतलब ये बारिश हर वक्त होती रहती है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, एक दो दिन छोड़ के होती है तभी अच्छा लगता है। और आज मेरे घर बिल्कुल भी लाइट सुबह एक बार आई है 5 मिनट के लिए और कट गई है, मुझे बहुत आज मतलब टेंशन हो रहा है रात को कैसे हम लेटेंगे, क्योंकि अंधेरा है। आज इन्वर्टर मेरा बिल्कुल डिस्चार्ज है, और अंधेरे में कैसे क्या करेंगे, कैसे खाना बनाएंगे और कैसे लेटेंगे, ये बिल्कुल अंधेरा तो बर्दाश्त भी नहीं होगा। और फिर से बादल आ गए हैं काले काले, पीछे देख सकते हो, और जो ऐसे ही रहा तो पता नहीं क्यों यहाँ लाइट काट लेते हैं। आज पूरा दिन हो गया है लाइट दी नहीं, कल रात के 12 बजे से लाइट कटी हुई है, और बस सुबह वही 5 मिनट के लिए दिए थे बस। अनिका छत पे खेल रही है तो मैंने सोचा चोटी कर लेते हैं और थोड़ी देर हम भी बैठते हैं यहीं पे, यही है। थोड़ी देर लेट गए थे सोने के लिए, अच्छे से नींद आई, थोड़ा सा 10 मिनट सोए होंगे और अनिका उठी और बस मेरी आंखें ऐसे ऐसे फाड़ रही हैं, सोने ही नहीं दिया मुझे, मम्मा उठो मम्मा उठो, तो एक उठना पड़ा मुझे, नहीं तो रोने लगती है फिर। अभी तो खेल रही हैं, अभी दिखाते हैं आपको। हवा बहुत ही वाकई में बहुत अच्छी चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है का, वहाँ पे खेल रही है उसकी मासी, वहाँ पीछे बैठी बातें कर रही है, पीछे एक मकान बन रहा है उनसे बैठ के बातें कर रही है। खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, और हम लोगों की तरफ पता है कौन सी खेती होती है, इधर ना मूंगफली बोई जाती है। एक बार हम लोगों ने सोचा था कि मेरे खेत में वहाँ पे गांव में जो खेत है वहाँ पे मूंगफली बोई गई थी, तो बाबू से बोला था कि वीडियो बनाना तो सबको दिखाएंगे कि कैसी मूंगफली यहाँ पे कैसे बोई जाती है। मैंने भी आज तक नहीं देखा है, सच बता रही हूँ, कैसे बोई जाती है, कैसा मतलब पेड़ होता है, कैसे निकाली जाती है, ऐसा मौका ही नहीं आया देखने का। तो वही बाबू कह रहे थे इस बार जब होगा तो तुमको ले चलेंगे, दिखाएंगे चल के वहाँ कैसा होता है। तो मूंगफली बोई जाती है, घर में हो जाती है खाने को आराम से, लेकिन इस बार शायद हमारे वहाँ नहीं बोई गई थी, और बाकी सब लोगों ने बोया था जिसको बोना होता है। पर यही बताना था कि मेरी तरफ मूंगफली बोई जाती है, खेती होती है मूंगफली की, ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली की खेती है इधर। और भी सब कुछ होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मूंगफली भी बोई जाती है। आपको दिखाऊं कैसे किधर घर बन रहा है मेरे घर के, इधर घर बना है देखा, इधर मेरे घर के पीछे बन रहा है घर। तो देखिए कितने सारे काले काले से बादल आ गए हैं, लगता है फिर से आ जाएगी बारिश, तो अब तो बारिश होनी ही है क्योंकि बादल इतने भयानक जो आ गए हैं। तो फिर मैं इस ब्लॉग को करूँगी एंड, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना, और चैनल पे जो न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। व्यू तो सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है, और छत पर एडिटिंग करने की वजह से आपको आवाज़ भी आ रही होगी।